जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ग्रुप बी और ग्रुप सी संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, इन जो एग्जाम रिक्रूटमेंट है जो 110 पोस्टों के लिए जारी कर दिया गया है, तो ये पोस्ट को तो 16 जून 2022 को पूरा अपडेट कर दिया गया था। फुल इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको प्रोवाइड करूँगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है और जो भी एडसेक्टा जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसका जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि हम पोस्ट की बात करें तो नेम ऑफ पोस्ट की बात है, बीएसएफ ग्रुप बी और ग्रुप सी सब इंस्पेक्टर एसआई टेक्निकल और कांस्टेबल टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2022 जारी कर दिया गया। 16 जून को इस पोस्ट को अपडेट कर दिया गया था। वैसे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जानने की कोई आवश्यकता है नहीं, मैं आगे पूरे वीडियो में बताने वाला हूं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन बिगेन मतलब शुरू कर सकते हैं, 13 जून से ये फॉर्म भरना आप स्टार्ट कर चुके हैं और लास्ट डेट है इसका 12 जुलाई 2022। अभी बहुत सारा दिन है फॉर्म को भरने के लिए। ये एग्जाम फीस आपको 12 जुलाई तक आप कर सकते हैं। इसका एग्जाम डेट जल्दी इनके द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये फॉर्म फीस है, एसटी एससी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं, ऑल कैटेगरीज फीमेल भी यहाँ पे कोई फॉर्म फीस नहीं, मतलब मेल और फीमेल दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ फॉर्म भरने वाले हैं, अगर घर बैठ के अपने सिस्टम से फॉर्म भरते हैं, तो आप डेबिट क्रेडिट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट एज लिमिट के लिए होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज़ देखते हैं कि हमारा एज है नहीं इस भरने के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखो कि जो एज की गणना की जाएगी तो मिनिमम और मैक्सिमम जो एज की गणना की जाएगी 12 जुलाई 2022 से ही किया जाएगा। फोर सब इंस्पेक्टर एसआई पोस्ट जो मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 30 साल होनी चाहिए एसआई के लिए, और इस डेट को, ठीक है, 12/7/2022 को आपकी इससे इस डेट को लास्ट आपकी 30 साल है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फोर कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए 18 से लेकर 25 साल आपका मांगा गया है। 12 जुलाई 2022 को मिनिमम आपकी एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 25 होनी चाहिए। और जैसे कि लिखा गया है, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल के हिसाब से बीएसएफ ग्रुप बी और सी के अंतर्गत आपको छूट दी जाएगी। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 110 पोस्ट है जैसे यहाँ पर दी गई है। अब किसके अंतर्गत पर कितनी पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर एसआई टेक्निकल के लिए 22 पोस्ट है और कॉन्स्टेबल टेक्निकल के लिए 88 पोस्टें दी गई है। सबसे पहले बात करें तो सब इंस्पेक्टर एसआई टेक्निकल के लिए जो 22 पोस्ट है, इसके लिए एलिजिबिलिटी योग्यता आपको मांगी गई है डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। और कॉन्स्टेबल टेक्निकल के लिए 88 जो पोस्टें दी गई है, इसके अंतर्गत पर क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया और आईटीआई एनसीबीटी सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड और 3 साल का आपको इसके अंतर्गत पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 110 पोस्टें दी गई है, कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पर पोस्टें बांटी गई है, लेकिन जो ट्रेड संबंधी है तो ट्रेड संबंधी में टोटल कितने पोस्ट है वो यहाँ पर अब आपको बताता हूँ। तो अगर आपके पास ट्रेड है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए काफ़ी गोल्डन है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, इसकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक बात कह सकते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले बात करें तो सब इंस्पेक्टर एसआई जो व्हीकल मैकेनिकल के लिए मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल है, 12 पोस्ट है टोटल है कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। सब इंस्पेक्टर एसआई जो ऑटो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, मेल एंड फीमेल दोनों है, 4 पोस्ट यहाँ पर होगी। सब इंस्पेक्टर एसआई स्टोर कीपर के लिए मेल फीमेल पोस्ट है, 6 पोस्ट टोटल है। और कॉन्स्टेबल ओटीआरपी के अंतर्गत पे मेल और फीमेल के अंतर्गत पे, मेल के अंतर्गत पे 8 पोस्ट और फीमेल के अंतर्गत पे 1 पोस्ट दिया गया है। और कॉन्स्टेबल जो एसकेटी है, मेल के अंतर्गत पे 6 पोस्ट है, फीमेल के लिए नहीं है। और कॉन्स्टेबल जो फीटर है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग बांटा गया है। और कॉन्स्टेबल फीटर के अंतर्गत पे 6 मेल के अंतर्गत पे 6 पोस्ट और फीमेल के अंतर्गत पे 1 पोस्ट दिया गया। और कॉन्स्टेबल कारपेंटर के लिए मेल के लिए 4 पोस्ट है, फीमेल के लिए नहीं है। और कॉन्स्टेबल जो ऑटो इलेक्ट्रिक के लिए है, मेल के लिए 9 पोस्ट और फीमेल के लिए 1 पोस्ट है। और कॉन्स्टेबल व्हीकल जो मैकेनिक है, मेल के अंतर्गत पे 17 पोस्ट और फीमेल के लिए 3 पोस्ट होगी। और कॉन्स्टेबल बीएसटीसी के अंतर्गत पे मेल पे 6 पोस्ट और फीमेल के लिए 1 पोस्ट हो गया। और कॉन्स्टेबल वेल्डर के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल के अंतर्गत पे, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, मेल के अंतर्गत पे 10 पोस्ट और फीमेल के लिए 1 पोस्ट। और कॉन्स्टेबल पेंटर के लिए मेल ही मेल पोस्ट आया हुआ है, 4 पोस्ट है। और कॉन्स्टेबल अपहोल्स्टर के लिए है, मेल के लिए 5 पोस्ट है, ठीक है, अपहोल्स्टर है, ध्यान रखिएगा। और कॉन्स्टेबल टर्नर की बात करें तो इसमें 5 पोस्ट टोटल दी गई है। अब देखिए,
प्रत्येक कैटेगरी वाइज जो आपके पास में एलिजिबिलिटी है ITI जिस स्टेट से मांगा गया, तो उस बेस से यहाँ पर कॉन्स्टेबल के लिए BSF पे रिक्रूटमेंट है, 88 जो पोस्ट दी गई है। तो इसके अंतर्गत पे वेट हाइट संबंधी भी प्रोसेस दिया गया। तो हाइट आपकी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर मांगा गया। और चेस्ट की बात, अगर मेल की बात करें तो 75 से 80 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए कोई नहीं मांगा गया। रन फॉर SI और कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए 3.2 किलोमीटर इन 17 मिनट में आपको 3.2 किलोमीटर मेल में भागना है और 9 मिनट में फीमेल को 1.6 किलोमीटर भागना है। ये चीज़ का भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। और इसके अंतर्गत पर तो हो गया जो जानने के लिए, अब अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पर हम क्लिक करते हैं तो अब हमें पता चलेगा कि हमें अप्लाई कैसे करनी है। देखिए, जब ऐसे हम पोर्टल के अंतर्गत पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से क्या आएगा, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई हर के अंतर्गत आप क्लिक करके BSF के अंतर्गत पर जो 110 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के अंतर्गत पर SI और कॉन्स्टेबल के अंतर्गत पर 110 पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट मांगा गया है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पर शॉर्ट रूप से प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।